अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं, खैरियत से होंगे। ये हम आपको एक जगह लेके जा रहे हैं, हमें एक जगह पता चली है, ठीक है, उसकी कुछ बहुत ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री है। हमने कहा कि उस जगह को आपको दिखाते जाएं, हम भी पहली दफ़ा वहाँ पे विज़िट कर रहे हैं, वो जगह आपको दिखाएंगे, उसके जो बारे में हमें हिस्ट्री पता चली है, कुछ स्टोरी पता चली है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। आपको पसंद लगे तो काइंडली लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पहुंच चुके हैं जो जगह के बारे में हमको बताया था, ठीक है। ये देखें जिस जगह, ये बहुत ज़्यादा दरख्त लगे हुए हैं, ठीक है। हम आपको इसकी स्टोरी के बारे में बाद में बताते हैं, पहले हम आपको ये जगह दिखाते हैं। प्यारे दोस्तों, इससे आगे हम नहीं जा सकते। ये जो इधर आप देख रहे हैं, ये डेयरी से आगे बनी हुई है, इस जगह के आगे नहीं जा सकते क्योंकि आगे जाने की जगह नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम आगे नहीं जाएंगे, तो यहाँ तक हमने आपको दिखाया है, तो आप देखिए, बाकी हम आपको नीचे जाके बताएंगे कि इसके बारे में क्या स्टोरी है जो हमें पता चली है, ठीक है। हम आपको नीचे जाकर तो दोस्तों देखिए, हमें अभी नीचे पहुँच चुके हैं, ठीक है। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये ईंटें भी पड़ी हुई हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में जो मैंने आपको बताया कि जो स्टोरी बताई जाती है वो मुख्तलिफ किस्म की बताई जाती हैं, हमें इस पर आप बिलीव करना चाहिए, यानी जो हमें पता चली है उसमें से एक बेहतर यही पता चली है कि ये ऐसे बाबा शेतना की डेयरी, इस वजह से कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ सुनने में यही हमारे आया है कि एक बारात आ रही थी, ठीक है। वो बारात जब यहाँ पर पहुँची है, ठीक है, उसकी बाकी जो थी एक साथ, जो यानी कि वो बाराती थे, वो सारे आगे चले गए। जब वो दूल्हा और दुल्हन यहाँ पर पहुँचे हैं, ठीक है, उनकी गाड़ी यहाँ पर पहुँची है, वो अल्लाह पाक की कुदरत ऐसी हुई है, कुदरत ने ऐसी हुआ करमात दिखाए कि कुदरत ने ऐसे करमात दिखाए कि वो जब यहाँ पर इस जगह पर पहुँचे हैं, ठीक है ना, तो उनकी गाड़ी ज़मीन ऐसे दो टुकड़े हुई है, उसके अंदर चले गए हैं, ठीक है, और यहीं पर वो ज़मीन बंद हो गई है। तो उसके बाद यानी कि इसका नाम यही शहदा वाली डेयरी पड़ गया। अब यानी कि यहाँ के आसपास की वो जो एक रीत बन चुकी है कि जब भी किसी की शादी होती है, ठीक है,
तो जो मैं आपसे एक बात कर रहा था वो बात कंटिन्यू करते हुए कि यहाँ पर जब वो किसी की भी शादी होती है, ठीक है, दूल्हा सबसे पहले यहाँ पर आया, जिस दिन उसकी बारात होती है यहाँ पर आकर हाजिरी देता है, ठीक है, हाजिरी देने के बाद फिर वो जाता है, ठीक है, घर। तो इस बारे में ये भी हमें स्टोरी पता चली, और भी मुख्तलिफ स्टोरियाँ हैं, ठीक है ना, जो उसमें सब में से ये बेहतर स्टोरी यही हमें पता चली है, वो जो आपके साथ शेयर की है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए, तो इसको काइंडली शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को कीजिए। मैं आपका प्यारा दोस्त शहबाज हुसैन, अल्लाह हाफिज़।